हरियाणा में हुड्डा और एसआर के गुट आपस में फिर भिड़े। हुड्डा के चार डिप्टी सीएम के वायदे को किया खारिज। भूपिंदर हुड्डा की सीएम दावेदारी पर भी उठाए सवाल। हरियाणा विधानसभा का चुनाव अगले साल लोकसभा चुनावों के बाद होना है। 2019 में राज्य में अक्टूबर के महीने में ही वोटिंग हुई थी। अभी वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं में राज्य में अभी भी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पदों की दावेदारी को लेकर आपस में भिड़ंत शुरू हो चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कभी पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा तो कभी कुमारी शैलजा की तरफ से दावे किए जा चुके हैं। वहीं हाल ही के दिनों में तो किरण चौधरी के समर्थकों ने भी उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग उठाई थी। पहले चार खेमों में बटी रहने वाली कांग्रेस अब दो खेमों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ हुड्डा खेमा तो दूसरी तरफ टीम एसआरके यानी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। हुड्डा ने मंगलवार को कहा था कि कांग्रेस हरियाणा में ब्राह्मण, दलित, जाट और पिछड़े समुदायों में से चार डिप्टी सीएम बना सकती है। एसआरके गुट ने ना सिर्फ हुड्डा के इन दावों का विरोध किया बल्कि सीधे सीधे हुड्डा की सीएम पद की दावेदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए। आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीएम डिप्टी सीएम पद को लेकर भिड़े कांग्रेसी। कांग्रेस की महासचिव और हरियाणा में पार्टी की बड़ा दलित चेहरा कुमारी शैलजा ने बुधवार को कहा कि राज्य में चार डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर पार्टी में कोई चर्चा नहीं है। यही नहीं, उन्होंने सीधा पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा पर यह कहकर निशाना साधा कि राज्य में मुख्यमंत्री का पद किसी के लिए आरक्षित नहीं है। शैलजा के मुताबिक पार्टी हाईकमान को राज्य के 36 बिरादरियों में से सीएम चुनना है। इससे पहले हुड्डा ने बताया था कि राज्य में पार्टी के चार डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिसे कुमारी शैलजा ने सीधे खारिज कर दिया है। चार डिप्टी सीएम को लेकर कभी बात नहीं हुई शैलजा। शैलजा ने कहा कि ये राजनीतिक फैसले हैं जो पार्टी हाईकमान लेता है। हुड्डा की ओर से जो दावा किया जा रहा है उस तरह से चार डिप्टी सीएम को लेकर कभी बात नहीं हुई थी। इस तरह की कोई बात नहीं थी। उस समय मैं प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी। मुख्यमंत्री का पद किसी के लिए आरक्षित नहीं है। शैलजा अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 36 बिरादरियों की संस्कृति है और पार्टी हाईकमान को उनमें से किसी एक समुदाय को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करके सम्मान देना चाहिए। वो बोली, मुख्यमंत्री का पद किसी के लिए आरक्षित नहीं है और इस पर 36 समुदाय में से फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चार डिप्टी सीएम का सुझाव उनके निजी स्तर पर हो सकता है। हुड्डा ने किया था चार डिप्टी सीएम वाला दावा। हुड्डा ने मंगलवार को कहा था कि कांग्रेस हरियाणा में ब्राह्मण, दलित, जाट और पिछड़े समुदाय में से चार उप मुख्यमंत्री बना सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी के अंदर इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन ये चुनाव भी कांग्रेस हार गई थी। जबकि शैलजा ने कहा कि कांग्रेस में होने के नाते और 2019 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने की वजह से मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि 2019 में भी कभी ऐसी बात नहीं हुई थी कि चार डिप्टी सीएम होंगे। ऐसा कहने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि पार्टी ने आज या तब ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हम 36 बिरादरी में भरोसा करते हैं और कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और हमें इन्हीं 36 बिरादरी में किसी एक को मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पार्टी हाईकमान ने किसी भी व्यक्ति को इस तरह के ऐलान करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। हुड्डा 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे हैं और एक प्रमुख जाट नेता माने जाते हैं। फिलहाल वे राज्य में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, जबकि शैलजा एक दलित नेता हैं और कांग्रेस के गांधी परिवार से काफी नजदीकी मानी जाती हैं। राज्य में पिछले चुनाव से ही शैलजा को भी सीएम पद का दावेदार माना जाता रहा है। कांग्रेस राज्य में लगातार पिछला चार चुनाव हार चुकी है। 2014 और 2019 दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी से उसे मुंह के खानी पड़ी है। स्थिति ये है कि पिछली हार के चार साल गुजर चुके हैं, लेकिन पार्टी अपने संगठन तक को दुरुस्त नहीं कर सकी है।